और भाई क्या हाल चाल यार, सभी लोग का स्वागत है भैया आज के नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों यार आज की इस वीडियो में तुम सबको बताने वाला हूँ, तुम सभी लोग ऐसे काफी ज्यादा वेट कर रहे हो अपने अभी पोकर एमबी 40 कब आने वाली है, कौन से इवेंट में आने वाले, कितने डायमंड लेंगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन है मेरे सब्सक्राइब वालों के। तो गाइस सभी कन्फ्यूजन इस वीडियो के अंदर दूर करने वाला। मैं जी चलो मेरे प्यारे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रखे ना तो वीडियो एक लाइक जो से कर, वीडियो का लाइक में एक छोटा सा लाइक 40 लाइक तो प्लीज लाइक जो से कर देना। एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब नहीं कर रखे ना दोस्तों, तो यार प्लीज चैनल अपन चेक रेड कलर का वाला बटन दिख रहा है ना, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जो से दोस्तों अपन सबको ना 20K सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। 20K सब्सक्राइबर अपन जल्द से जल्द पूरे कर लेंगे। अगर आप सभी का सपोर्ट रहा, आप सभी के एक सब्सक्राइबर से 20K सब्सक्राइबर तक काफी ज्यादा क्लोज पहुंच जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जो से कर देना, वीडियो से कर देना। एंड कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो प्लीज़ अकाउंट से पूछना। हम लोग करते वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि वीडियो को बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह अपने अपने सब्सक्राइब भाइयों के यहाँ पे कमेंट्स वगैरह पढ़ लो। तो एक भाई पे कमेंट के बोलते कि भाई पोकर एमबी 40 कब आएगी, उस पर एक वीडियो बनाओ। तो सर जी देखो, मैं जो वीडियो है ना ये पोकर एमबी 40 से रिलेटिव में बना रहा हूँ, तो आप सभी लोग वीडियो के एंड तक देखोगे ना आपको पूरी इन्फॉर्मेशन। भाई पे कमेंट के बोलते कि भाई अपने यहाँ पे जो अपकमिंग न्यू M17 की स्कैन है ये कौन से होने वाले। देखो सर जी अभी हमारे OB 43 तक है ना आपको कोई सी भी M17 ना हमारी अपकमिंग देखने को नहीं मिलेगी, हमारी न्यू नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई आपको न्यू नहीं अभी मतलब आएगी नहीं, न्यू आएगी, बट भाई हमारा जो OB 43 का अपडेट है ना वो निकल जाएगा ना, वो अपडेट कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद ही हमको पता चलेगा कि कौन सी न्यू स्किन आने वाली है। हाल फिलहाल तो आपको ओल्ड स्किन ही रिटर्न देखने को मिलेगी, बट न्यू भी हाल फिलहाल देखने को नहीं। देखो यहाँ पे कई सारे भाई लोग हमारे कमेंट करते हैं कि हमने जो फ्रॉस्ट फायर ईवो बंडल है ना भैया उसके अंदर कितने डायमंड लेंगे, वो कब आएगा। देखो सर सबसे पहले उसके अंदर डायमंड की बात करें ना, तो देखो यार उसको निकालने में कम से कम 2500 डायमंड आपके पास मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम मैक्सिमम होने चाहिए। माने कि ये इतने रेयर बंडल नहीं है, बट है तो एक ईवो बंडल है ना, इसलिए हमको डायमंड तो इसके लिए ज़्यादा चाहिए। और जाहिर सी बात है गाइस कि आपको ये अभी के टाइम पे देखने को नहीं मिलने वाला है, ये हमारा गाइस 20 तारीख के बाद देखने को मिलने वाला है। माने गए 20 तारीख के बाद ना आपको पॉसिबल नहीं यार कि हमारे 25 तक देखने को मिल जाएगा, बट एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि यार फ्री फायर आजकल पता नहीं भैया क्या कर रहा है, कई अपडेट देता है, कई डेट देख के ना वो इवेंट नहीं देता, तो इसलिए एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। बस पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है कि आपको ना ये हमारा यहाँ पर ना ये 25 तारीख देखने को मिल। और बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे जो वन मैन पंच M17 की स्किन है भाई ये कब आएगी। देखो सर जी ये सभी ना आपको मेरे यहाँ पे मार्च तक देखने को मिलेगी, ये इसका मार्च में ना आपस से कोलैबोरेशन करेगी, जिसके अंदर ना हमारे ओल्ड आइटम तो आएंगे साथ में न्यू आइटम भी ना हमको देखने को मिलेंगे। या फिर जून के अंदर आपको इसका जो वन मैन पंच 2.0 के नाम से इवेंट देखने को मिल रही, इसके अंदर हमारी M17 के साथ जो जितने भी इसके आइटम वगैरह थे ना वो सब हमको रिटर्न देखने को। मेरे पे कमेंट करके बोलते हैं कि भाई अपने यहाँ पे जो मेरे पास है ना भाई, मैं 3000 डायमंड है, तो इसके अंदर कोबरा एमबी 40 कोबरा बंडा निकल जाएगा क्या। देखो सर जी मैं आपको यहाँ पे दो एडवाइस दे रहा हूँ, अगर आपको आपको इन दोनों में से सबसे पहले आप एक चूज करो कि आपको कोबरा एमबी 40 निकालनी है फिर कोबरा बंडा निकालना है, दोनों इम्पॉसिबल है, कहीं नहीं निकलेंगे भैया। आपका कितना अच्छा लक मुझे पता है भैया, क्योंकि मेरा अभी तक जितना भी दिखा है ना, जितना भी मैंने फेस किया ना भैया, मैं आपको सबसे बता रहा हूँ कि दोनों तो बिल्कुल भी नहीं निकलने वाले हैं। हाँ आपकी कोबरा एमबी 40 निकल सकती है और कोबरा बंडल भी आपके मुश्किल ही निकले, क्योंकि यार उसके 450 तो टोकन होने वाले हैं जो कि 3000 डायमंड बहुत मुश्किल से मिले। ट्राई करने वाली बात तो सर जी आप अपने लक को ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं आपको एडवाइस दूंगा कि भैया आप है ना एक ही स्किन निकालें और कंफर्म कर ले कि आपको कौन सी स्किन चाहिए कौन सी। देखो एक भाई पे कमेंट करके बोलते हैं कि भाई अपना जो जनवरी मंथ का भुया पास होने वाला है, तो भाई ये कैसा होने वाला है, प्लीज इसका रिव्यू करा दो। तो सर जी आप ये जो भुया पास देख रहे हो, ये हमारा जनवरी मंथ का भुया पास होने वाला है। सर जी इसके रिवॉर्ड वगैरह आप सब देख सकते हो यहाँ पर ना, हमको यहाँ पर 30 लेवल पे ये सर्वोट की स्किन में देखने मिलने वाली है, बाकी का सबसे को ना यहाँ पर हमारे ये 6 मेगा बंडल उस प्रकार का होने वाला है। और देखो ये एक बैनर देखने मिलने वाला है, सर्वोट एकदम नॉर्मल से होने वाले, कुछ खास मतलब है तो लेजेंडरी बट इतनी खास मुझे लगी नहीं, ठीक है। देखो ये हमारी होने वाली सर्वोट की, इसके बाद ना देखो भाई आपको ना यहाँ पे सर्वोट की स्किन देखने मिलने वाली है, एकदम नॉर्मल से, इतनी खास मुझे सच्ची तरह लगी नहीं है, बाकी आपको ये कैसे गई प्लीज अकाउंट से बता देना। एंड इसके बाद देखो सर जी आप सभी को ना मेरे यहाँ पे एक जीप की स्किन में देखने मिलने वाली, जो कि आप लोग देख पा रहे हो कुछ प्रकार की जीप की स्किन होने वाली, एकदम नॉर्मल थीम टाइप की होने। यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे हो हमारे यहाँ पर जो जीप की स्किन है एकदम थीम टाइप की होने वाली, ठीक है। बाकी गाइस आपको ये दिसंबर मंथ का भुया पास अच्छा लगा है, फिर हमारा जो जनवरी मंथ का भुया पास लगा प्लीज अकाउंट से बता देना। इसके बाद हमारा जो मेल का बंडल होने वाला वो कुछ प्रकार होने वाला है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हमारे एक तो सबसे पहले शॉर्ट देखने को मिलेगा हमको, इसके बाद अगर हमको नीचे यहाँ पर आपको देखो मेल का बंडल देखने को मिला है जो कि मेन होने वाला है। तो यार इसके जो बॉडी है ना मुझे बस बॉडी अच्छी लगी है, बाकी इसके अंदर जो और कुछ खास आइटम लगा नहीं मुझे, इसका सर वगैरह मुझे इतना खास लगा नहीं है, बस इसकी जो बॉडी है ना सर जी वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और बाकी आपको नॉर्मल से डेथ वॉक्स वगैरह बैकपैक वगैरह ये सब देखने
जाने वो मिलने वाले हैं। तो गाइज आपको मेरे भाई यहाँ पे ये जो हमारा भूया पास कैसे आएगा प्लीज अकाउंट से बात। देखो बहुत सब्सक्राइबर मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया अपने यहाँ पे जो मैजिक क्यूब वो भी 43 अपडेट आएगा ना, इसके बाद जो मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट होगा ना, तो उसके अंदर कौन से बंडल देखने को मिलने वाले हैं। तो देखो सर जी आपको यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी निकल गए, दो बंडल इन दोनों में से एक बंडल देखने को मिलेगा। एक तो गाइज हमारी सिंह वाला बंडल था, इसके बाद है ना गाइज आपको सभी को ये था ना जो हमारा काटेदार बंडल ये वाला का बंडल है ना, ये देखो ये वाला है ना, इसका नाम है गाइस नियॉन राइड बंडल, ये वाला है। इन दोनों में से एक बंडल आपको हमारे मैजिक के देखने को मिल जाएगा। एंड ये गाइस देखो काफी ज्यादा अच्छे बंडल्स हैं यहाँ पे, आप लोग देख पा रहे हो गाइस यहाँ पे और भी ज्यादा बंडल्स यहाँ पे कहीं ना ऐड करने वाली है। तो आपको इन सब में से कौन सा बंडल आपका फेवरेट है मुझे कमेंट से बता दे। बाकी दोस्तों जो मेरी बांग्लादेश से वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी गुड न्यूज है कि उन सभी को ना गाइस हमारे यहाँ पे फ्लैश शील्ड नाम का एक इवेंट देखने को मिलने वाला है। हालांकि अपने ये इंडस्ट्री पे नहीं आने वाला है, बट आप बांग्लादेश सर्वर के अंदर ना मॉर्निंग में लगभग 9:30 बजे के साइड में आपको ये के ऐसा फ्लैश नाम का इवेंट देखने को मिल जिसके अंदर आपको काफी हद तक डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपसे मेरे भाई रेडी ना आपसे डायमंड बचा के रखना, बहुत ज्यादा अच्छा डिस्काउंट इवेंट है, बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, सभी लोग रेडी से रहना ठीक है। आपका ऐसे बात करते हैं अपने पोकर मी 40 रेस से रिलेटेड कि भाई अपनी पोकर मी 40 की स्क्रीन है वो कब देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रखा छोटा सा लाइक है 40 लाइक है तो प्लीज लाइक उससे कर देना एंड इससे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जो कर देना, इससे भी अपन को 20K सब्सक्राइबर रीच करने में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो प्लीज सब्सक्राइब से जैसे कि भैया मैंने आपसे को ना यहाँ पे मेरे भाई हमारे एक पोकर एमबी 40 से रिलेटेड मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपसे को बताया था कि अपने यहाँ पर जो गेनर इतने सारे इवेंट्स गेनर बीच में ऐड कर देना, लाइक जैसे गाइस हमारे यहाँ पे ना स्ट्रीट रॉयल जो ब्रेक डांस बंडल का इवेंट है ना वो ऐड कर दे, इसके गाइस हमारा पर्पल शीट बंडल का इवेंट है वो ऐड कर दे, इसके गाइस हमारा पॉसिबल इनका कि ज़ॉम्बी समरा का इवेंट भी आ सकता है तो वो भी गेनर ऐड कर दे, तब भी गाइस अपन को जो अपनी पोकर एमबी 40 ना वो जल्दी देखने को मिलने वाली थी। लेकिन गाइस जब गेनर ने इवो वॉल्ट जो इवेंट है ना भैया उसकी डेट जैसे ही गाइस गेनर ने बढ़ाई तब अपना यहाँ पर जो पोकर एमबी 40 एंड बाकी के जो इवेंट्स है ना तो उनको गेनर ने डेट को ना आगे पोस्टपोन कर दिया ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको लगभग ना 25 जनवरी तक रिटर्न देखने को मिलने वाले। जी भैया देखो यार घड़ी तो काफ़ी लंबी है, समय बहुत ज़्यादा गेनर ने कर दिया है, बट गाइस क्या कर सकते हैं भैया यहाँ पे फेवरेट स्किन है तो हमको वेट तो थोड़ा सा करना। एंड देखो भैया बात ये है कि गेनर ने हमको यहाँ पर कन्फर्म तो नहीं करा है, बट गाइस पॉसिबल निकल के आ रहा है। अपने यहाँ पे जो डाटा मैनेजर है गाइस वो भी यहाँ पे कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि भैया हाँ आपको 25 जनवरी तक तो ये पॉसिबल निकल के देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे ना गाइस जो हमारे बड़े बड़े लाइक यूट्यूबर जैसे पीएस गेमर है अगर आप उनकी वीडियो विजिट करोगे तो वो भी लगभग यही कह रहे हैं कि हाँ 25 जनवरी तक तो आप मिलेगी। हमारे जो डिवाइड गेमर वगैरह है ना बड़े बड़े यूट्यूबर वो भी यही कन्फर्मेशन दे रहे हैं ठीक है। तो लोग आपको 25 जनवरी तक मॉर्निंग में 4 बजे रिंग इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएगी। एंड अगर डायमंड की बात करें बहुत सारे भाई लोग मुझसे बोलते हैं कि कितने डायमंड लेंगे, देखो यार ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग उनकी स्किन हो चुकी, पहले इतनी डिमांडिंग नहीं थी बट अभी ये काफी डिमांडिंग में आ गई। मैंने सच्ची बता रहा हूँ गई ना इसके लिए रखेगी टोकन और टोकन की प्राइस रखेगी 250 या फिर 300 टोकन पर स्किन निकालने में। तो लगभग आपको पोकर में 40 को अगर यहाँ पर 250 टोकन भी देने पड़ेंगे लगभग आपके 2500 डायमंड 2500 डायमंड आपको देने पड़ेंगे तो डायमंड देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो लगभग समझ रहे गाइस भैया यहाँ पर बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और काफी आपका कटने वाला भी है। तो आप लोगों ने अभी से हमारे पोकर में 40 के लिए कितने डायमंड बचा के रखे मुझे कमेंट से बता देना। बाकी गाइस अगर आपने इतना वेट किया तो अपने भाई के थोड़ा सा वेट और कर लो, आपको पोकर में 40 जल्दी रिटर्न देखने को मिल जाएगी। मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती मैं आपका जरूर शेयर कर दूंगा, अगली वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से कर देना जिससे अपन को 20K सब्सक्राइबर्स रीच करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर से कर देना, लाइक जरूर से कर देना एंड कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो प्लीज कमेंट जरूर से पूछना। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत जय श्री राम।